दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पे, या देखो दबांगड़े डोसा, तो ये शॉप है ऑन द वे टू चिकमगलूर। तो हम लोग आज जा रहे हैं चिकमगलूर, वहाँ पे जंगल लॉज का जो रिसोर्ट है एक थोड़ा सा ऊपर, उसमें रहेंगे। हम लोग अभी जैसे JLR के जो रिसोर्ट है केमरागुंडी हिल रिसोर्ट, उसमें पहुंच गए हैं। देख रहे हैं हम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। इनके बहुत सारे टाइप्स रूम हैं, ये एक टाइप है, ये पीछे वाला एक टाइप है, हमारे रिलेटिव ये वाले में रह रहे हैं, हम ये में रह रहे हैं। प्रीमियर जो ऑल द सेम, वेरी विंडी, हल्का सा हवा आ रहा है एंड लॉट्स ऑफ स्पेस, कोई टेंशन नहीं है। और इनका प्रॉपर्टी जो है बहुत बड़ा है, मेरे पीछे ज़रा देखो कितना बड़ा लंबा सा है। इनके बाकी चीज़ें सारे ठीक हैं। एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है वो है कि यहाँ रूम सर्विस नहीं है, मतलब ये रूम में फूड अलाउ नहीं करते हैं। तो आपका चाय कॉफ़ी खाना पीना सब आपको रेस्टोरेंट में जाना करना पड़ेगा, वो उतना दूर दूर पे है, मतलब एटलीस्ट आपको कुछ 300 मीटर वॉक करना पड़ेगा, नॉट अ बिग डील। बट दो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये चेयर देखो आप, ये टेबल देखो, ये कॉन्फ्लिक देखो, इतने बड़े विंडोज़, यहाँ बालकनी, नीचे से इतना सा पहाड़ी दिख रहा है वहाँ पे दूर में। अभी यहाँ पे रूम सर्विस देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्माइल फॉर द कैमरा। हम लोग अभी JLR में जैसे खाना खा लिए, लंच करके अभी निकले हैं, शाम होने को है। जैसे आप पीछे देख रहे हो धूप घट गया है, पीछे पहाड़ी दिख रहा है, बहुत सुंदर सा जगह है। आई कैन टेल यू समथिंग, मतलब विदाउट एनी डाउट ये JLR का जो प्रॉपर्टी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। द ओनली थिंग इज इनका खाना, मैं देखो आपको खाने का पिक्चर भी नहीं दिखाऊँ, अगर कल हो सके तो मैं दिखाऊँगा, पर इट्स वेस्ट बिकॉज बहुत ही बकवास है, बहुत बकवास है। मतलब स्पेशली द ओनली थिंग दैट वी लाइक ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर के जूस ठीक ठाक बनाते हैं और दाल और चावल बनाते हैं, और कुछ भी फैंसी मत ऑर्डर करो अगर वहाँ करना है तो। बाहर आए जैसे आप यहाँ से आके खा सकते हो, यहाँ पे रास्ते में खा रहे हैं, वहाँ पे पीछे ऊपर खाने का जगह है। नमस्कार दोस्तों, सेकेंड डे चिकमगलूर में JLR के रिसोर्ट में, हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं, मैं मेरे बेटे के साथ वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, सुबह से बहुत रो रहा है ऐसे ही। और यहाँ पे सनराइज़ हुआ है, पीछे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एनीवे सनराइज़ हुआ है, तो अच्छा सा वॉक है, बहुत सुंदर सा जगह है। दिस इज़ आई गेस समवेयर अराउंड 6:30, बट डोंट लीन ना। अभी मेरा बेटा मुझे एक्सरसाइज कर रहा है मॉर्निंग में, मैं सोचा वहाँ पे रुक जा और फिर वॉक कर। देखो जूता वूता पहनवा के आऊँ, बैक ना है हमारा, एदी के जाबो एदी के ओई दी के जाबो। ये है वाटरफॉल, इस पॉइंट में एक आता है, मतलब ऑफकोर्स वाटरफॉल है बट छोटा सा है। ये आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको एक्सपेक्टेशन मत रखो ऐसा कोई वाटरफॉल है जहाँ पे आप नहा सकते हो, लोगों को लगता है वैसा नहीं है। नाइस व्यू। तो सुबह ट्रेकिंग करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं थोड़ा घूमने के लिए, आज साइड सीट करेंगे थोड़ा सा, मुलायमगिरी पिक और बोगदनगिरी वहाँ पे जाएंगे, जाने का प्लान है, देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। देखो गाड़ी है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, अगर आते हो यहाँ पे रुक सकते हो, हम यहाँ के ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम निकल पड़ेंगे। मैम यू आर लाइकिंग द फूड? ओके, ओह मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है मुलायमगिरी पिक, यहाँ से आपको ट्रैक करने ऊपर जाना पड़ता है। दिस इज द पार्किंग, पूरा पार्किंग स्पेस है, यहाँ बहुत गंदी तरह से गाड़ी चलाया जाता है, तो अगर आप श्योर हो आप चला सकते हो आ जाओ, नहीं श्योर हो कैब से आओ, पर कैब वाले को बोलो धीरे चलाने के लिए। यहाँ पे मतलब बहुत ही डेंजरस तरीके से लोग गाड़ी चला रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई और हाउ बट इट्स नोबडी केयर्स, तो दैट्स वन थिंग। अभी हम बोगदनगिरी जाएंगे और उससे पहले इसके नीचे एक 1 किलोमीटर नीचे एक अच्छा सा स्पॉट है, वहाँ रुकेंगे। अभी मुलायमगिरी पीक से नीचे अगर आप 1 किलोमीटर पहले आओगे, हम वापस जा रहे हैं, हम बोगदनगिरी जाएंगे उससे पहले यहाँ रुके हैं, जस्ट उस पीक के मुलायमगिरी पीक से 1 किलोमीटर पहले लोकेशन है। ये ज़्यादा खाली रहता है, यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर सा है, इफ़ यू वांट लाइक वेरी एम्प्टी काइंड ऑफ प्लेस, हल्का सा बहुत सुंदर हवा चल रहा है, तो यहाँ आ जाओ,
बहुत सही लगेगा। तो हम यहाँ चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। एक चीज़ है, अगर आप मुलायमगिरी जा रहे हो वहाँ पे जहाँ पे हमने पार्किंग का पिक्चर दिखा ना, वहाँ से अगर गाड़ी वापस ले रहे हो ना, दैट्स नॉट मच ऑफ ए वेल डन प्लेस, तो गाड़ी उठाने में वगैरह में दिक्कत हो सकता है। पर वहाँ पे हमें भी थोड़ा बहुत हुआ, पर वहाँ पे जो लोकल ड्राइवर्स हैं देर वेरी हेल्पफुल। अगर आपसे उनसे कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछ लो या फिर वो भी आके हेल्प करें, बहुत हेल्पफुल लोग हैं वहाँ पे। दोस्तों हम लोग अभी जैसे डे एंड करने के लिए हैं, जैसे हम बौद्धन गिरी के वहाँ पे थोड़ा खा लिए और वहाँ से आगे चले। हम अंदर नहीं गए बिकॉज शाम होने को है। और आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पीछे भी, अगर आप देखोगे ज़्यादा दिखता नहीं है तो मैं ओवरलैप करके आपको बीरोल में दिखा दूंगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग या फिर जिसे कहते हैं क्लाउड श्राउड कर देता है माउंटेन को, तो उसमें विजिबिलिटी वगैरह लो हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे लोग उतने ज़्यादा माउंटेन टाइप ड्राइविंग नहीं करते, तो दैट्स अ रिस्क। तो इसलिए हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। आप लोग भी ये सजेस्ट करेंगे कि शाम होने से पहले आइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे क्लाउड रैप कर देता है माउंटेन्स को। तो अभी हम होटल जाएंगे और शायद इसके बाद वीडियो ना करें, अगर करते हैं तो रात में क्या होता है आपको बताते हैं, नहीं तो दैट वाज द सेकंड डे।